मैसूर जमीन आवंटन घोटाले के आरोप में बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर बड़ा हमला किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आरोप लगाया कि मैसूर जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का परिवार शामिल है। बीजेपी की बात माने तो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का ये घोटाला है। कर्नाटक के राज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरु अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरु में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड दैट परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले। सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है, और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है।